बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फैशन आइडिया। ब्राइट फैशन आइडिया में और फिर हम आपके लिए ट्रेंडी कॉटन शर्ट लेकर आए हैं। बहुत प्यारा, बहुत इम्प्रेसिव आइडिया है, खूबसूरत, शानदार, जानदार स्टाइल है। यकीनन आपको हमारा आज का आइडिया बहुत पसंद आएगा। तो ब्राइट फैशन आइडिया पर आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रेंडी कॉटन शर्ट आइडिया। हमारा चैनल है ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स एंड लेटेस्ट फैशन का, और आपके लिए स्पेशली हम लेकर आते हैं लेटेस्ट फैशन में मुख्तलिफ ट्रेंड। तो आजकल जो ट्रेंड है वो है चेक की शर्ट्स का, लेकिन हमने इसमें और भी प्रिंट रखे हैं ताकि आप देख सकें और आइडिया ले सकें कि एक ही तरह के ड्रेसेस बनाना इतना आसान नहीं होता जितना थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रिंट मिल जाए हमें। तो फिर भी हम आपके चेक के साथ साथ कुछ अलग प्रिंट भी लेकर आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मिल सके शानदार, जानदार आइडिया। अगर आप लोग हमें कमेंट करके राय दें कि आप लोग हमारा जो चैनल है जिस पे हम ज़्यादातर लेकर आते हैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड, हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ी सी राय दें, तो हम आपके लिए लेकर आए कुछ डिफरेंट स्टाइल की एम्ब्रॉयडरी, कुछ डिफरेंट स्टाइल के ड्रेसेस, कुछ ब्राइडल ड्रेसेस। तो उम्मीद करती हूँ आप हमें इस वीडियो के हवाले से भी कमेंट्स करके बताएंगे और अपनी राय भी देंगे कि आप के लिए हम अपने चैनल पर स्पेशली लेटेस्ट फैशन के अलावा और क्या लेकर आएं जिससे कि आपको खुशी हो और आपकी बात मानी जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप हमें कमेंट करके ज़रूर राय देंगे आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। और साथ ही आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और काफ़ी हमें कमेंट्स आते हैं आपके, तो हम चाहते हैं कि जैसे आपके कमेंट से हमें खुशी मिलती है इस तरह हमारी वीडियो से आपको भी खुशी मिले, और हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी दुआएं और नए ख्वाहिशात। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो भी पसंद आएगी और हमारी दुआएं भी पसंद आएगी, और ज़रूर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे। तो अपने चैनल की तरफ से ज़्यादा चाहने से पहले आपके लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।